इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त एक और तीन तलाक दे दिया गया है, तो बड़वानी से ये बड़ी खबर। एक बार फिर से तीन तलाक का मामला सामने आया है। पत्नी से मारपीट कर बच्ची को उठाकर फेंका गया है। पत्नी ने पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। लड़की के जन्म के बाद पति पत्नी में को लेकर अब ये जो केस है वो सामने आ रहा है। बड़वानी से बता दें कि तीन तलाक का ये अजीबोगरीब मामला है जो कि सामने आ रहा है, जिसमें बच्ची के जन्म के बाद जिस तरह से रोने को लेकर अपनी पत्नी को आधी रात को तीन तलाक इस शख्स ने दे दिया है और उसके ऊपर अब शिकायत दर्ज की गई। लड़के होने पे और दहेज की मांग पे मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, वो रो रही थी और वो रोने लग गई तो ये कहने लग गए कि इसको चुप करवाओ। मैंने वो चुप नहीं हुई तो ये कहने लग गए कि यहाँ से निकल जा, और है ना मुझे मारपीट करके सबने मारपीट करा और तीन तलाक दे दिया। आपके पति ने? हाँ, हमारे पति ने, और 2 बजे रात को बाहर घर से बाहर कर दिया। एक मुस्लिम महिला जिसकी ससुराल साउथ थोड़ा इंदौर में थी और वहाँ पर पति ने उसको मारपीट करके भगा दिया और तीन तलाक भी बोला है। महिला की लिखित रिपोर्ट पर धारा 498 और मुस्लिम महिला विवाह निरपेक्ष अधिनियम 1919 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। तो ये अजीबोगरीब केस आया हुआ है यहाँ पर और इसके ऊपर अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह से तीन तलाक के जो केस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से अब जाहिर तौर पर चिंताएं भी बढ़ने लगी, हालांकि इस कानून ने महिलाओं को एक शक्ति जरूर दी है। बढ़ते आगे सिंगरौली।